हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिनेश चंद सैनी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है एक्स का मान बड़ा है या बराबर है 2 के। तो एक सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक्स डैश एक्स, इधर को वाई, नीचे वाई डैश, और ये 0 0, यहाँ 1 यहाँ 2, बस इतना बनाने की जरूरत है। तो एक्स का मान 2 बराबर यहाँ पर होगा, वाई का मान नहीं दे रखा, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान बड़ा है, अब इस लाइन के किस तरफ एक्स का मान बड़ा होगा, आगे जाने पर या इधर आने पर? इधर आने पर एक्स का मान माइनस में आता है, इधर प्लस में आता है, इसका मतलब इधर जाने पर एक्स का मान धनात्मक होगा। तो ये इसका हल समुच्चय होगा, ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा हल क्षेत्र कहलाता है, और ये है इसका हल समुच्चय भी कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल समुच्चय, इस रेखा के अनुसार, मतलब इस असमीका के अनुसार, इस जो ये पूरा रीजन है इसमें इसे कहीं कहीं पे हल मौजूद होंगे। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो चुका है अपना। दूसरा क्वेश्चन है, वाई का मान छोटा है -3 से, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आपने उतार लिया हो तो मैं दूसरा क्वेश्चन इसी में कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मिटाकर। यहाँ देखें वाई पर -3 है, -3 नीचे होगा, -1 -2 -3, इससे में एक लाइन खींच देंगे, ये खींच दिया, ठीक है। y का मान छोटा है, y का मान छोटा किधर होगा, नीचे जाने पर या ऊपर आने पर? ध्यान दें, माइनस में कोई संख्या छोटी तब होती है जब हम नीचे की ओर चलते हैं, तो नीचे की जाने पर इसका मान छोटा हो जाएगा। तो ये नीचे की ओर का जो पूरा क्षेत्र होगा ये क्या इसका होगा, हल क्षेत्र, और इसको बोलेंगे हल समुच्चय। ये पूरा पूरा एरिया क्या है, हल समुच्चय। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसमें है 4 क्वेश्चन और चारों चार बहुत सरल हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को करवाता हूं अभी। यहां देखें, तीसरा क्वेश्चन, एक्स माइनस 2 वाई छोटा है 0 से, तो एक्स ये इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 वाई, एक्स छोटा होगा 2 वाई से, इसकी छोटी सारणी बनाएंगे, जहां पर एक्स और वाई दोनों मान आते हैं वहां पर सारणी बनाना जरूरी हो जाता है। एक्स वाई, वाई का मान रखेंगे हम 0, तो एक्स का मान भी आएगा क्या, थोड़ी देर बराबर मान के लिख लेते हैं, तो ये भी मान 0 आएगा, एक मान के लिख लेते हैं तो ये 2 आएगा, 2 मानेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे पेपर पर इस तरह से, और इसका एक ग्राफ बनाएंगे, तो 0 0 यहाँ पर, अगला मान लो 2 यहाँ पर है, और 4 बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है एक्स का मान 4, 4 मान लो यहाँ पर है, तो जब हम वाई का मान 2 रखते हैं तो इसका मान 4, हाँ, तो यहाँ पर ये होगा वाई का मान 2, एक मिनट ये गलत रख दिया हमने, एक्स का मान 2 तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, इस तरह से। तो एक रेखा आएगी इस तरह से, ये रेखा हो गई, आप चाहे तो यहां पर क्या कर सकते हैं, इनको दर्शा सकते हैं 1 2 इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर एक्स का मान किस साइड में छोटा है, इस रेखा इस साइड में छोटा है या इधर की ओर? इधर की ओर जाएंगे तो ये पूरा क्षेत्र क्या होगा, एक्स का मान बड़ा हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, तो इस रेखा के इस साइड में ये जो तो पूरा क्षेत्र होगा ये क्या होगा, इसका हल समुच्चय होगा, ठीक है। इस रीजन में इसका कहीं कहीं पे हल मौजूद होगा, चाहे दूसरी रेखा कैसी भी हो, ठीक है। ये है इसका हल क्षेत्र, हल समुच्चय। ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम चौथा क्वेश्चन भी ऐसा कैसा ही है, आप करें इसको,
कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं। 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप करें, ठीक है। अब इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी कुछ असमिकाएं हैं, वहां पर थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोशिश करते हैं तीनों को करने की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित असमिकाओं का आलेख विधि से अलसमुच याद कीजिए। क्वेश्चन ऐसे कैसे है, बस थोड़े से फर्क आ जाता है, यहाँ पर मॉड्यूलस आ जाता है, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब, अगर यहाँ पर हम प्लस का मान रखेंगे तो भी प्लस का ही रहेगा, माइनस का रखेंगे तो भी माइनस का ही रहेगा। तो जब हम प्लस का रखते हैं, ठीक है, तो प्लस का 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अगर माइनस का रखते हैं तो माइनस का 3 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर बराबर दे रखा है प्लस माइनस रखने पर। तो इनके बीच में देखो, छोटा दे रखा है इधर को मान, छोटा मतलब अगर हम प्लस का 3 रखते हैं तो छोटा किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस का रखते हैं तो भी ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का रखेंगे तो इसका बड़ा इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा एरिया है बीच का, ये क्या हो जाएगा, इसका हल समुच्चय हो जाएगा। ये हो गया अपना दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, दूसरा बिल्कुल सरल है, मैं तीसरा करवाता हूँ आपके लिए। देखो तीसरा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस तरह से सारणी बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन सारणी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, अगर यहाँ पर एक्स का मान प्लस आता है, मान लो वाई का मान 0 कर दें हम, एक्स का मान प्लस आता है 1, तो एक्स मान प्लस कहाँ पे होगा, इस बिंदु पर होगा, ठीक है। और अगर वाई का मान प्लस आता है तो किस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर। इन दोनों को मिलाकर खींचते हैं तो ये एक रेखा बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस आता है एक्स का मान -1, तो यहाँ पर आएगा। वाई का मान -1 आता है तो यहाँ पर आएगा। माइनस की वजह से, ये मॉड्यूलस की वजह से प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक रेखा आती है। इस तरह से 2 रेखा आ गई हमारे पास में। अब ध्यान दें, यहाँ पर एक्स का मान अगर मान लो प्लस का आता है तो भी बड़ा होगा किससे, 1 से। एक्स का मान बड़ा किधर होगा, इस साइड में, ठीक है।